दोस्तों जय महाकाली, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों आज बहुत ही दुर्लभ हम मक्षमणि आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं। आज संपूर्ण लाभ आपको बताएंगे कि मक्षमणि किस प्रकार से जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर आती है, क्यों इसका प्रयोग तंत्र में भी किया जाता है। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं, मक्षमणि जब तक अभिमंत्रित नहीं होगी, एनर्जेटिक नहीं होगी, तंत्र विधि से इसका सही तरह से सिद्धिकरण नहीं होगा, तब तक ये पूर्ण रूप से जागृत नहीं होती है। दोस्तों एस्ट्रोलॉजी के अलावा तंत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि काफ़ी लाभकारी होती है और ये दुर्लभ मानी जाती है। दोस्तों मक्षमणि मीन मुक्ता, आप लोग देख सकते हैं कि किस क्वालिटी की ये मीन मुक्ता होनी चाहिए, मतलब असली मक्षमणि होनी चाहिए। दोस्तों ऊपर से जो इसका जो रूप है, आप लोग देख सकते हैं कि ये काफ़ी चमकीला होता है, यही असली मक्षमणि की पहचान होती है। और ऊपर से हर एक मक्षमणि का अपना एक फिंगरप्रिंट होता है। आप लोग देख सकते हैं कि मक्षमणि के जो ऊपर है एक अलग ही उभरे से उभार टाइप के आपको देखने मिलेंगे, जो कि अलग अलग मक्षमणि, हर मक्षमणि में ये भिन्न होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, यही इसका असली होने का प्रमाण होता है। दोस्तों मक्षमणि कई प्रकार की आती हैं। मक्षमणि अगर असली नहीं होगी, प्राण प्रतिष्ठित नहीं होगी, तो ये जीवन में सही लाभ आप लोगों को नहीं देगी, इसीलिए इसका सिद्धिकरण करके धारण करना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर से जो इसका दिखावट जो होती है, इसको ऊपर से जो दिखती है वो किस तरह से दिखती है। हर मक्षमणि एक दूसरे से भिन्न होती है, इसका आकार सी शेल जैसा होता है, क्योंकि ये जो मणि होती है ये सैल्मन एक फिश से प्राप्त होती है। पीछे से ये पूरी तरह से सफ़ेद होती है, चमकीली होती है। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें भी बारीक बारीक बहुत अलग तरह के इसमें शेड होते हैं, क्योंकि ये नेचुरल मुक्ता कहलाती है, जो कि मीन से निकलने वाली एक मणि होती है। दोस्तों ये चमत्कारी जो मणि होती है ये काफ़ी दुर्लभ होती है। अगर प्राण प्रतिष्ठित करके इसको धारण किया जाता है तो जीवन में कई बदलाव लेकर आती है। जैसे अगर एस्ट्रोलॉजी की बात किया जाए तो अगर राहु या केतु आपके हाउसेस में हैं और आपको गलत इफ़ेक्ट्स देते हैं, तो उस परिस्थिति में उनके जो दुष्प्रभाव होते हैं इनको ख़त्म करने का कार्य करती है। मतलब राहु या केतु की कोई अगर पीड़ा होती है जीवन में, राहु या केतु के कोई दोष होते हैं जिनकी वजह से आपके जीवन में आर्थिक उन्नति नहीं हो पाती है, या आप लोग कहीं विदेश जाने का सोच रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इस मीन मुक्ता को धारण करना चाहिए, जो कि आपके जीवन के लिए काफ़ी अच्छी सिद्ध हो सकती है। दोस्तों असली और प्राण प्रतिष्ठित मीन मुक्ता होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सभी जो मीन मुक्ता है, यानी कि मक्षमणि जो हैं, ये CGL कंपनी से सर्टिफाइड हैं, जो कि इसको प्रमाणित करती हैं कि ये जो मक्षमणि है ये असली है। हर मणि का इसमें चित्र लगा होगा, कैरेट वजन, और इसमें मेंशन किया होगा साइज़, और साथ में कि ये जो मक्षमणि है इसकी क्वालिटी कैसी है। आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑप्सोलिज्म कंसिडर्ड टू नेचुरल मक्षमणि। ये नेचुरल मक्षमणि है, अभिमंत्रित और असली मक्षमणि है, जो कि आपके जीवन में आप लोगों को बहुत अच्छा लाभ देने का कार्य करेगी। दोस्तों असली मक्षमणि बहुत ही कम मिलती है, अगर मिलती है तो लोग प्राण प्रतिष्ठित किए बिना ही इसको पहन लेते हैं या धारण कर लेते हैं। अगर किसी भी वस्तु का सिद्धिकरण सही प्रकार से नहीं होगा तो वो वस्तु जागृत नहीं होगी, अगर जागृत नहीं होगी तो सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगी। इसीलिए ज़रूरी है कि अगर मक्षमणि आप कहीं से परचेस करते हैं तो उसको अभिमंत्रित सबसे पहले किसी से भी कराएं, क्योंकि तंत्र विधि से आप लोग इसको एनर्जेटिक कराएंगे या इसको सिद्धिकरण कराएंगे तो ये जीवन में बहुत अच्छे लाभ आप लोगों को देगी। दोस्तों असली सिद्ध मक्षमणि आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपके नाम के साथ प्राण प्रतिष्ठित और सिद्धिकरण करके आप लोगों को दिया जाएगा। दोस्तों असली मक्षमणि जीवन में कई तरह के प्रभाव डालती है। अगर जीवन में हर जगह हार का सामना आप लोगों को करना पड़ता है, व्यापार या नौकरी आपकी सही तरह से नहीं चल पा रही है, या जीवन में आप लोग उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में असली मक्षमणि को धारण करना चाहिए, ताकि आपके जीवन की जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएं और जीवन प्रगति की ओर आगे बढ़ने लगे।
दोस्तों ये छोटी सी मक्षमणि बहुत दुर्लभ होती है, बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है। शास्त्रों के अनुसार यदि तंत्र शास्त्र में आप लोग देखेंगे तो इसका प्रयोग कई जगह पर बताया गया है। अगर धन प्राप्ति की साधना से सिद्धिकरण करके इस दुर्लभ मक्षमणि को पहना जाए तो जीवन में कई प्रकार के लाभ धन से रिलेटेड आप लोगों को मिलने लगते हैं। मतलब अगर जीवन में धन की कमी बहुत ज़्यादा रहती है तो रास्ते खुलते हैं और धन आपके घर में आने लगता है। दोस्तों कई प्रकार की साधनाओं में इसका वर्णन किया गया है। कई प्रकार की जो धन प्राप्ति की जो साधनाएं होती हैं, सिद्धि होती है, रिचुअल होती है, उसमें इसका प्रयोग धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। अगर सही विधि और तंत्र से सिद्धिकरण करके इसको धारण किया जाए तो जीवन में बहुत अच्छे प्रभाव ये डालती है। दोस्तों एस्ट्रोलॉजर कई प्रकार के ऐसे लोग हैं जो लोग इसको सेल कर रहे हैं लेकिन सिद्धिकरण करना नहीं जानते हैं। अगर कोई भी वस्तु हो जब तक पूरी तरह से एनर्जेटिक ना हो तब तक ये पूरी तरह से जीवन में लाभ नहीं देती है। उसी प्रकार से ये दुर्लभ मक्षमणि होती है, अगर सिद्धिकरण सही प्रकार से इसका करेंगे तो जीवन में लाभ भी ये बहुत अच्छी तरह से देती है। दोस्तों ये नेचुरल मक्षमणि जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर आती है। जैसे अगर आर्थिक स्थिति खराब है तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी तरह से सुधरती है। जिन जातकों की कुंडली में अगर किसी प्रकार का कोई दोष होता है, कोई प्रभाव होता है, किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा मिलती है ग्रहों से या ग्रह बाधा होते हैं या किसी प्रकार की कोई ढैया या साढ़े साथी शनि की कोई भी प्रकार की परेशानी होती है तो ये परेशानियाँ खत्म होती हैं और इससे जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग खुलता है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है नौकरी के लिए या बिजनेस के लिए तो जिन व्यक्तियों का वीज़ा नहीं लग पाता है ऐसे लोगों को अपने नाम पर कम से कम 10 कैरेट की मक्षमणि अभिमंत्रित करके धारण करनी चाहिए जिससे कि आप लोगों के योग बहुत जल्दी बनेंगे विदेश जाने के। दोस्तों ये इसमें चमत्कारी गुण होते हैं जो कि इंसान की हर मनोकामना को पूरा करती है, जीवन में हर कठिनाइयों को दूर करती है। इसलिए इसको पर्ल भी कहा जाता है, मीन पर्ल यानी कि जो मछली से मिलने वाला मोती होता है इसको वो भी कहा जाता है। कई शास्त्रों में इसको बताया गया है कि ये जो मुक्ता होती है या प्राचीन काल से ही इस्तेमाल की जाती है अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों ऐसी चमत्कारी वस्तु आप हम लोगों से प्राप्त कर सकते हैं जो कि वाकई में बहुत दुर्लभ होती है, शक्तिशाली होती है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार भी इसको पहनना बहुत शुभ माना गया है। देवी लक्ष्मी की जब प्राप्ति हुई थी, जब सागर मंथन हुआ था उस समय भी इसका वर्णन किया गया है कि मक्षमणि जो है ये वहाँ से उत्पन्न की गई थी और ये जो चमत्कारी मक्षमणि है ये व्यक्ति जो भी इस्तेमाल अपने जीवन में करता है उसको बहुत अच्छे अनुभव देखने मिलते हैं और जीवन तरक्की की ओर आगे बढ़ता है। दोस्तों प्राप्त करने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, असली प्रतिष्ठित प्राण प्रतिष्ठित सिद्धिकरण करके मक्षमणि आप लोगों को दी जाएगी। धन्यवाद मेरे दोस्तों, जय महाकाली।